और एक बात और कह दें कि मोदी जी क्या उच्चारण करते हैं नहीं करते हैं माननी तो सरकार की ही होगी, ठीक। जब तक आप अपने लिए दूसरी सरकार नहीं चुन लेते तब तक यही भारत की सरकार है, ये हुकूमत हिंदुस्तान यही है, ठीक। तो अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी भारत के प्रधानमंत्री तो मोदी हैं। आपको अच्छा लगे तो भी मोदी है और ना लगे तो भी, टमाटर 2 रुपया किलो बिके और चाहे 100 रुपया किलो बिके, प्रधानमंत्री तो वही है ना। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तब भी वही प्रधानमंत्री थी, इसलिए इस बात को समझिए। प्रशांत जी, मैं देख रहा हूं कि बड़ा जैसे कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि हम इसके विरोध में रहेंगे यूसीसी के, अतीक साहब को भी बड़ी तकलीफ है और वो उन उदाहरणों को ला रहे हैं जो कटुता पैदा कर दें, अगर उनका काउंटर यतिमा कर दें तो यतिमा की जान को खतरा हो जाएगा क्या? ऐसी स्थितियां क्यों भाई? देखिए अमिताभ जी, एक बात बार बार कही जाती है कि जन जागरण की ये अभी समाज तैयार नहीं है भाई। कुछ दिनों पहले मदरसों पे भी बहस हो रही थी, मदरसों के आधुनिकीकरण की, तो यही वर्ग कह रहा था कि हमारा तो केवल 4% बच्चे मदरसों में जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं, मतलब बाकी आधुनिक स्कूल में जाते हैं, केवल 4% मदरसों में जाते हैं, हाँ बाकी मुख्य धारा में आ गए, ठीक है। अमिताभ जी, देश में प्रधानमंत्री के अलावा कौन सा ऐसा पद है जिसमें मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं बैठा है या आज नहीं बैठा है, ठीक है? कौन सी ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें मुस्लिम समाज नहीं जा सकता? कौन सा ऐसा स्कूल कॉलेज है या एजुकेशन है नौकरी है जिसमें मुस्लिम समाज नहीं है या नहीं जा सकता, या कोई रोक टोक है या उन पर कोई संवैधानिक या कानूनी रोक है? देश की सबसे बड़ी सबसे अधिक सरकारी योजनाएं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चल रही, चाहे नौकरी से लेकर आप 12वीं पास करते हैं 20,000 रुपए तुरंत मिल जाता है बेटियों को, उनको एजुकेशन के लिए तैयारियों के लिए दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, आप मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट में देख लीजिए। तो सब आप तो और कितना मुख्य धारा में आएंगे जनाब, आप तो बाकी लोगों से ऐसे आगे हो गए हैं, बाकी वर्गों को कहाँ कुछ मिल रहा है, अब और कितना समय चाहिए मुख्य धारा में आने के लिए? तो ये तो केवल एक वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि आप अपनी सुप्रीमेसी रखना चाहते हैं धर्म के आधार पर, हम स्पेशल हैं, कहते हैं कि मुसलमानों से जो है वोट देने का अधिकार छीन लो, आप ही के तो लोग कह रहे हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कहते मुसलमान, नहीं नहीं ये गलत है, मुसलमानों के हमारे लोग नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो लोग कहते हैं उस पे कानूनी शिकंजा क्यों नहीं आप लगाते, जो लोग गलत है, मैं कहता हूँ, मैं एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन कहता हूँ कि जो ऐसा कहता है गलत है, ये गैर कानूनी बात में किसी समर्थन नहीं करता हूँ, जो कानून का उल्लंघन करे उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप सरकार में हैं, कानूनी कार्रवाई, ये आश्वासन कैसे हैं? आप पहली मर्तबा मुझे भाजपा का कोई प्रवक्ता इतना सुलझा हुआ नजर आया, मुझे लगता है कि शायद आपको भाजपा बहुत जल्दी निकाल देगी पार्टी से, क्योंकि इतना सुलझा हुआ प्रवक्ता मैंने आज तक नहीं देखा। सच बात तो ये है, और दूसरे ये कि अगर आप जो है उसमें हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? आप जो लोग मुसलमानों को धमकी देते हैं, बिना कार्रवाई किससे शिकायत होगी? शिकायत की कार्रवाई तो नहीं होगी ना, जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है। शिकायतें बहुत है मेरे भाई, शिकायतें बहुत हैं, कितनी FIR हो रही हैं, शिकायतें बहुत हैं, लेकिन कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए, कार्रवाई करने की इच्छा। अरे सरकार में आप है जनाब, सरकार में आप जनाब हैं, आप मंगवाइए जितनी FIR है, आप कह दीजिए। अरे भाई मैं कैसे बता दूं, आप बताइए, आप एक ऐसा फर्जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा भाजपा नेता ने कहा, बताइए किस भाजपा नेता ने कहा कि मैं मुसलमानों को वोटिंग राइट सौंप कर देना चाहिए, आप नाम तो बताइए ना। अरे अब ऐसे कुछ मत आरोप लगाइए, ये तो मतलब ऐसा कुछ, अब आप चाहे गिरिराज किशोर की बातें आप उठा लें, क्या उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान में देना चाहिए मुसलमानों को? गिरिराज सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे बताइए, बताइए आप धन्य है, धन्य है आप, मुझे बताइए आप ऐसे झूठा आरोप कैसे लगा दे रहे हैं? झूठा आरोप मुझे लगता है कि इतना ज्यादा साफ साफ मुकुल जाना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा तो कोई नहीं सकता। एक बार दोनों लोग रुकिए, एक बार दोनों लोग रुकिए, आतिक भाई आप भी रुकिए, प्रशांत भाई आप भी रुकिए। सिर्फ कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस हमेशा जनजागरण के पीछे खड़ी हो जाती है, जनजागरण का झंडा आगे करती खुद पीछे छुप जाती है। अभी जनसंख्या बात करो तो भी कांग्रेस का यही व्यू होगा, जनजागरण। एक मासूम सवाल मेरे जहन में आ गया त्रिपाठी जी, बहुत मासूम सवाल है, उसी भाव में उत्तर दीजिएगा, आनंद आ जाएगा। हम मान लेते हैं सारी गड़बड़ी ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, ठीक, देश में क्या आपने भगीरथ बन के देश को आगे बढ़ाया, मान लेते चलो है, झगड़ा खत्म, ठीक। पश्चिम बंगाल में जनसंघ से लेके आज तक ये कभी खुद मुख्तार नहीं रहे बीजेपी वाले, ठीक, कभी नहीं रहे क्या? कांग्रेस रही विधान बाबू के समय से,
क्या विधानचंद राय, समझ रहे आप, वो गए 30-35 साल राज भोग के, तो 30-35 साल वो आ गए कम्युनिस्ट है, उन्होंने राज्य भोगा, उसके बाद भगवान का नाम लेके आदरणीय ममता जी आ गई, ठीक, आपको वनवास देके। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मैंने 3 दफे पढ़ी, वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा बुरा हाल है असम, बिहार और बंगाल में मुसलमान का, क्या। और जब सच्चर की रिपोर्ट आई थी तब तक इन किसी राज्य में भाजपा कभी नहीं राज्य में गई, और अफगान और बंगाल में तो आज तक नहीं गई, फिर वहां तो आप ही लोग थे सुपर मतलब वॉशिंग पाउडर में धुले हुए सेकुलर, जो हमेशा अल्पसंख्यक की चिंता में खाना पीना छोड़ के लगे रहे। तो बंगाल में उनको देश में सबसे ज्यादा सरसब्ज और मुख्य धारा नहीं सुपर मुख्य धारा में क्यों नहीं ले आए। त्रिपाठी जी, जी अमिताभ जी, आपने बड़ा मासूमियत से भरा हुआ सवाल पूछा है, कौन न मर जाए इस मासूमियत पर लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं। आपसे इस मासूमियत के पीछे का सच झलक रहा है। दरअसल बंगाल की, असम की और बिहार की आपको स्थितियां देखनी पड़ेंगी, वो बीमारू राज्य है बिहार। अरे तो जिम्मेदारी किसकी, भड्डा जब करते हो भैया, थानेदार आप हैं और लूट की जिम्मेदारी पड़ोसी को दे दें, ऐसे कैसे दे देंगे। नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस तो कभी इसकी पक्षधर नहीं कि दो तरफा दो आंख से देखा जाए, हम लोग तो बिल्कुल समान भाव से काम करने वाले लोग हैं। दरअसल वहां की परिस्थितियां और पूर्वी बंगाल जो वहां पे रहा और जिस तरह से पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान से जो घुसपैठ होती रही, बाद में बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ और हमने अपने सीमा को सुरक्षित किया, इंदिरा जी ने एक इतना बड़ा स्टेप लिया। देखो त्रिपाठी जी, ये भाजपाई तो वहां नहीं गए कभी, इसलिए वहां का जो भी गड़बड़ घोटाला वो सब आप ही सर आएगा, नहीं ये तो कभी गई नहीं वहां। विकास जो स्थिति बदली गई, क्या बुरा हाल था वहां का और कहां तक हमने उसे बेहतर बनाया। अरे सच्चर कमेटी फिर से पढ़ो मित्र, सच्चर कमेटी कह रहे सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला है, मुसलमान की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है बंगाल, असम और बिहार, वहां भाजपा ही कभी नहीं गए थे जब तक सच्चर साहब बोल लिख रहे थे रिपोर्ट। बिल्कुल, पूर्वी पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार रहा, बांग्लादेश। आप गजब करते हो वाह, आप तो भैया बहुत काम किया अमिताभ जी, और आज काफी हद तक चीजें वहां पे धारा में लेकर आए। प्रशांत जी एक बार यति मारूंगे, प्रशांत जी देख कांग्रेस उसमें भी पाकिस्तान को लपेट लाई, बोली वो पाकिस्तान के चलते वो लोग सब पिछड़ गए, असम बिहार और बंगाल के लोग। अब ये तो कह नहीं सकती कि वहां भाजपा ही आ गए इसलिए गड़बड़ कर दिए। पाकिस्तान नहीं, हम लोग झूठे आरोप नहीं लगाते, झूठी पार्टी नहीं है अमिताभ जी, प्रशांत जी की पार्टी झूठ के प्रशांत पटेल, कांग्रेस कह रही है कि वहां पूर्वी पाकिस्तान के चलते इतना भारी लोड आ गया था कि इस कारण हम वहां की स्थिति ठीक नहीं कर पाए और भारत में सबसे ज्यादा दरिद्र पिछड़े और मुख्य धारा छोड़ो किसी भी धारा से बाहर मुसलमान इन 3 सूबे में रहा। ये तो इनका बहाना भी, स्वयं को सेल्फ सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि यही खाली सही बोलते हैं, बाकी लोग सही नहीं बोलते हैं। अभी अमिताभ जी पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ लोगों के राशन कार्ड पकड़े गए सर जी, जो राशन कार्ड इस तरह की वहाँ की जनसंख्या 9 करोड़ 11 करोड़ राशन कार्ड बने थे, और वहाँ पे कांग्रेस ने कितना विकास कार्य किया, आपने 9 साल में 9 फीसद आग के ढेर पर बिठा दिया है। एक मिनट, अभी केवल प्रशांत पटेल की बात, अभी रुके भैया त्रिपाठी जी, प्रशांत पटेल कम्प्लीट करिए भैया जी। ये तो केवल इनकी बहानेबाजी है, और सबसे अधिक अगर मुसलमानों पे अत्याचार किए तो कांग्रेस के लोगों ने किया, चाहे भागलपुर, हासिम भागलपुर असम के दंगे और मलियाना, हाँ तो ये सारे जितने बड़े दंगे हुए हैं तो कांग्रेस के लोगों ने के समय में करवाया गया, अत्याचार इनके समय में करवाया गया। आज भाजपा सरकार के बारे आने के बाद बता दिए कहाँ पे कोई इस तरह का नरसंहार दंगा हुआ या उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुआ हो, क्योंकि इन लोगों की ये दुकानें बंद हो गई हैं, ये लोग अत्याचार भी करवाते थे, उनको गरीब बनाकर भी रखते थे। मुख्य धारा की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में तो मुख्य धारा से बाहर उनको रखना चाहते थे, क्यों, जैसे जितना वो गरीब रहेंगे मुख्य धारा से बाहर रहेंगे वैसे हमारा वोट बैंक बने रहेंगे। अब चूंकि जैसे मुस्लिम वर्ग इम्पावर हो रहा है, समझ रहा है, तो मुस्लिम महिलाएं पढ़ लिख रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वास्तविकता आकर्षित हो रही है, तो इनको इसलिए समस्या हो रही है। तो चूंकि ये जो कुछ मुल्ला मौलवियों का जो गिरोह चाहता है कि जो मुस्लिम वर्ग उनके उनके कब्जे में रहे,
ट्रिपल तलाक होता रहे, हलाला के लिए उनको महिलाएं मिलती रहे, तो उनको तो पीड़ा होगी ना यूसीसीआई की, तो उनके कब्जे से निकल जाएंगी, शादियां होंगी तो वहाँ पे कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड होंगी, तो मौलवियों की आवश्यकता क्या रह जाएगी, हलाला नहीं कर पाएंगे। तो यही तो ये लोग चाहते हैं कि वही चीजें, पुराना जो सिस्टम है वो चलता रहे। अमिताभ जी, 1860 से पहले आईपीसी भी नहीं था, ये तो उनको मैकाले साहब का धन्यवाद देना चाहिए, आईपीसी लेके आए, सभी लोगों पर क्रिमिनल लॉ लागू हुआ। उसके पहले अगर कोई हिंदू महिला पे अत्याचार करता था मुस्लिम वर्ग पे, उसको सजा नहीं होती थी, क्योंकि ये तो माले गनीमत हो जाती थी। आज उसी तरह ये सिविल मामलों में यही रखना चाहते हैं कि इनका कब्जा वर्ग पे बना रहे। आज सुधार की बात हो रही है, हमने भी तो सुधार किए, हमारे यहाँ भी पहले तलाक की व्यवस्था नहीं, तलाक की व्यवस्था की, मुस्लिम हमारे यहाँ बेटियों को भी संपत्ति का अधिकार बरकरार दिया, उनको एडॉप्शन का भी अधिकार है, प्रॉपर्टी में राइट है, सभी चीजों को बराबर का अधिकार मिल गया। मुस्लिम वर्ग को क्यों प्रॉपर्टी का राइट, बेटी को नहीं है बराबरी का, उनको मुस्लिम महिलाओं को तलाक का अधिकार क्यों नहीं है, उनको एडॉप्शन का अधिकार क्यों नहीं है, इसकी बात होती है तो इनको पीड़ा होने लगती है। हम अगर उनको महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात करते हैं जी, ठीक ठीक प्रशांत कल रुकना होगा। यति माँ, अभी मौलाना अरशद मदनी ने एक बात कही, वो भी माइक से, मंच से, ऐसा नहीं कि कमरे में कही। मौलाना अरशद मदनी देश के बहुत बड़े आदमी है, जमात उलेमा हिंद के सरपरस्त हैं। उन्होंने कहा कि भी मर्द तो 80-85 साल तक घोड़ा रहता है क्या, और औरत 40-45 तक आते आते बूढ़ा जाती है, तो उसको 3-4 शादी लगेंगी ही लगेंगी। अब इस सोच के साथ यूसीसी का विरोध करेंगे, ये बात समझ नहीं आई कि आज तक तो किसी डॉक्टर ने ऐसा सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। नहीं, जो लोग ये मानते हैं कि औरत में, देखिए इस्लाम का कंसेप्ट ये कहता है कि औरत में रूह नहीं है, वो औरत को एज एन ऑब्जेक्ट डील करते हैं। अगर उनकी कानूनी प्रक्रिया भी देख ली जाए, जो निकाहनामा है उसमें वो प्रतिफल देते हैं, उसमें जो मेहर है वो क्या है, वो प्रतिफल है, उन्होंने उस औरत को खरीदा जब तक यूज के लायक रही, जब तक यूज करना का मन करा यूज करा फिर थ्रो कर दिया। तो ये जो सोच है, इसी सोच से फाइट करने की आवश्यकता है, ताकि उनकी जो महिलाएं हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको मेन स्ट्रीम में, जिसको मेन स्ट्रीम में वास्तव में आना चाहिए था, उसको तो हमेशा इन लोगों ने पीछे रखा ये कहकर कि नहीं, मर्द ही सर्वोपरि है। और यही अवधारणा इस्लाम की है, क्योंकि ये अभी जैसे प्रशांत जी कह रहे थे कि हमारी महिलाएं तो न्याय नहीं मांग पाई कभी, हमारे यहाँ महिलाएं बेची जाती रही लगातार, इस्लाम ने हमारी महिलाओं को बेचा ये कहकर कि ये माले गनीमत है, लूट का माल है, इन्हें मिल बांट कर खा लो। तो वही सोच बिल्कुल अपनी औरतों के साथ भी इन्होंने अपनाई, और आज जो दर्द है वो यही है, क्योंकि अगर महिला आजाद हो जाएगी, उसकी सोच वाइड हो जाएगी, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो भी बड़ी होगी। मोहम्मद अतीक साहब, ट्रिपल तलाक प्रतिबंधित होने के बाद समय हो गया उसको प्रतिबंधित हुए, भारत ने उसको प्रतिबंधित कर दिया, अब कहीं भी ट्रिपल तलाक होगी तो वो कानून का उल्लंघन होगा और इंडियन पेनल कोड के तहत सजा मिलेगी। कोई बुनियादी नुकसान हुआ क्या मुसलमानों का, उनको कोई दिक्कत आ गई उस कानून के बनने से? उसको समझ में, इसलिए सवाल कर रहा हूं ताकि मैं यूसीसी को समझ पाऊं। देखिए, दरअसल बात यही है कि जो हमारी चिंता है वो हमारे पर्सनल लॉ में घुसपैठ करने की है, और ये ट्रिपल तलाक का जो मसला है वो घुसपैठ ही है। हमारे यहाँ अगर ये जो अभी प्रतिफल की बात कर रही थी कि काश आपके यहाँ प्रतिफल होता तो मोदी जी की पत्नी को वो प्रतिफल मिल जाता और वो भी अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकती। ट्रिपल तलाक अगर होती आपके यहाँ, या तलाक जैसा कुछ मामला होता, अगर आप मोदी जी पर व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं, क्या मोदी जी की पत्नी ने आपसे आकर व्यक्तिगत रूप से दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, मोहम्मद अतीक आप रुकिए।